नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका के पूर्व सैन्य कर्मियों ने कश्मीरी समुदाय और भारतीय अमेरिकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों को समर्थन देने के खिलाफ वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान तालिबान है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और ओसामा बिन लादेन कहाँ था जैसे नारे लगाए। चीन ने एक दुर्लभ डॉक्यूमेंट्री जारी की है जिसमें अलगाववादी आतंकवादियों संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट द्वारा शिंगजियांग में किए गए कुछ आतंकवादी हमलों को पहली बार दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री जारी कर चीन ने हजारों उइगर मुसलमानों को हिरासत केंद्र में रखने को लेकर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बीच अपनी कार्रवाई को तर्कसंगत ठहराने का प्रयास किया है। चीन पिछले कई महीनों से संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों की तरफ से उन खबरों को लेकर हो रही आलोचनाओं को झेल रहा है। बगदाद में प्रदर्शनकारियों पर एक हमले में 23 लोगों की मौत हो गई, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ताजा आंकड़ों में ये बात सामने आई है। हालांकि हमले के बावजूद शनिवार को लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रखा। इराक के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी एफए को बताया कि अज्ञात हमलावरों ने अल खलानी स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी की जिसमें 135 लोग घायल हो गए। इसराइल विमान में हमास नियंत्रित गाजा पट्टी पर रविवार तड़के हमले किए। फलस्तीन में लड़ाकों द्वारा 3 रॉकेट दागने के बाद ये हमले किए गए। वहीं दक्षिणी इसराइल में फलस्तीनी लड़ाकों ने भी गाजा में 3 रॉकेट दागे। वहीं सेना ने बताया कि आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने सभी 3 रॉकेट रोक दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में इसराइल का उनसे अच्छा कोई और मित्र नहीं है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अमेरिकन इसराइल काउंसिल नेशनल समिट में यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर अपने रिकॉर्ड को रेखांकित किया। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने विशाल रैली निकाल आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने चीन समर्थक नेताओं को चेतावनी दी कि इस राजनीतिक संकट को हल करने के लिए उनके पास आखिरी मौका है। दुर्लभ घटना के तहत पुलिस प्रशासन ने रैली की अनुमति दी है। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने मुख्य कार्यकारी कैरी लैम और चुनाव में करारी हार के बावजूद चीन की ओर से रियायत नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की। अमेरिका के में मियामी की एक आर्ट गैलरी में डक्ट टेप लगा केला आर्ट 85 लाख रुपए में बिका था, जिसे एग्जीबिशन के दौरान रविवार को अमेरिका के आर्टिस्ट डेविड डाटूना ने दीवार से निकालकर खा लिया। ऐसा करने पर गैलरी के डायरेक्टर लुसियन टेरेस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना के 15 मिनट बाद एक नया केला लाकर वहां लगाया गया। इस आर्ट को इटली के आर्टिस्ट मॉरिजियो ने बनाया था। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण महासागर के जीवों, मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने चेतावनी जारी कर कहा कि दुनिया भर में 700 स्थानों की पहचान की गई है जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जबकि 1960 में ऐसे मात्र 45 स्थान थे। इसी दौरान ऐसे स्थानों की संख्या 4 गुना हो गई है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं है। जीलैंड के ज्वालामुखी के लिहाज से संवेदनशील द्वीप व्हाइट आइलैंड पर सोमवार को ज्वालामुखी फट गया, जिससे उन पर्यटकों के लिए भय पैदा हो गया जिन्हें कुछ क्षण पहले उस स्थान से गुजरते हुए देखा गया था। देश की राष्ट्रीय आपात प्रबंधन एजेंसी ने कहा व्हाइट आइलैंड में मध्यम दर्जे का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और ये आसपास के क्षेत्र के लिए हानिकारक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग घायल हो गए हैं जिन्हें लाया जा रहा है। फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने रविवार को प्रधानमंत्री पद के लिए 34 वर्षीय पूर्व परिवहन मंत्री सना मरीन को चुना। इसी के साथ ही वो देश के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई है। मरीन ने रविवार को हुए मतदान को जीतकर नव निवर्तमान नेता एंटी रिने का स्थान लिया, जिन्होंने डाक हड़ताल से निपटने को लेकर गठबंधन सहयोगी सेंटर पार्टी का विश्वास खोने के बाद मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। रूस में पुलिस की हिंसा के खिलाफ फुटबॉल फैंस साथ आ गए हैं। पूरे रूस में फर्स्ट डिवीजन मैचों के दौरान फैंस 30वें मिनट में स्टेडियम छोड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते स्पार्टक
मॉस्को के समर्थकों ने मैच के बायकॉट का ऐलान किया। इसके बाद से ही रूस में क्लब मैचों में ये नजीर बन गया है। पिछले हफ्ते सेंट पीटर्सबर्ग में जेनिट और स्पार्टक क्लब के बीच मैच के दौरान पुलिस ने 150 से 200 फुटबॉल फैंस को गिरफ्तार कर लिया था।